है फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू बाटलेट एन सेवा बुक का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे चलिए शुरू करते uh, पहला वन टू थ्री क्वेश्चन जो है वो इतना हार्ड um, नहीं है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर फोर से शुरू किया हूँ ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है प्रूव दैट लिमिट एक्सटेंस टू जीरो कॉस ऑफ वन बाई एक्स डज नॉट एक्जिस्ट बट दैट लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्स कॉस ऑफ वन बाय एक्स इक्वल टू जीरो मतलब लिमिट एक्सटेंस टू जीरो कॉस वन बाई एक्स एक्जिस्ट नहीं करता है और लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्स एक्स कॉस ऑफ वन बाय एक्स एक्जिस्ट तो करता है और उसका पेल्यू जीरो भी, भी होता है ये दोनों शो करने को कहता है ठीक है पहला देखते हैं ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है लेट आज डिफाइन टू सिक्वेंसेज एक्स एन एंड वाई एन हमने दो सिक्वेंस डिफाइन कर लिया एक्स एन एंड वाई एन ठीक है तो एक्स एन इक्वल टू मान लिया एन बाई वन बाय एन प्लस फाइव बाई टू ठीक है ये एक सिक्वेंस है तो लिमिट एक्सटेंस जीरो एक्सटैंड क्या होगा एन टेंस टू इन्फिनिटी है लिमिट एन टेंस टू इफिनिटी तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा ये तो कॉन्सटेंट है वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा मतलब लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी एक्सटैंड क्या है जीरो है फिर दूसरा दूसरा सीक्वेंस हमने डिफाइन कर लिया वन बाई वाई एन इक्वल टू वन बाई टू बाई एन और उसका लिमिट भी एन टेंस टू इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है जीरो पे तो दो सीक्वेंस ऐसा हमने डिफाइन कर लिया जो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जीरो पे जा रहा है लेकिन उनका जो वैल्यू होगा कॉस ऑफ वन बाई एक्स एन ठीक है कॉस ऑफ वन बाई एक्सन इक्वल तो क्या होगा कॉस एन प्लस पाई बाई टू हो जाएगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा वन बाई एक्स एन होने से तो कॉस एन प्लस वन बाई टू इजल टू कॉस एन प्लस पाई बाई टू इजल टू जीरो होता है और कॉस वन बाय वाई एन निकल टू क्या होगा कॉस टू बाई एन इक्वल टू वन होता है तो कोई भी ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया हमें क्या कहता है क्या कहता है बाई सिक्वेंशियल क्राइटेरिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों कोई भी एक कोई भी दो सिक्वेंस का मतलब दो लिमिट नहीं हो सकता है ठीक है कोई भी एक, एक, एक सीक्वेंस कोई भी एक सीक्वेंस का दो लिमिट नहीं हो सकता है ठीक है ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया कहता है लेकिन इसमें तो दो लिमिट आ रहा है इसलिए मतलब एक फंक्शन का कोई भी एक फंक्शन का दो लिमिट नहीं हो सकता है तो कॉस कॉस एन जो है इसका दो दो लिमिट आ रहा है इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है फिर देखिए दूसरा हमें शो करना था कि लिमिट टू जीरो एक्स कॉस ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो होता है ये शो करने को था तो मैं डायरेक्ट डेफिनेशन से शो करूंगा लिमिट का डेफिनेशन से नाउ फॉर लिमिट एक्सटेंस जीरो एक्स कॉस ऑफ वन बाय एक्स गिवेन एपसेलन ग्रेटर देन जीरो हमने मान लिया कि डेल्टा इक्वल टू एफसेलन कोई भी एक एफसेलन ग्रेटर देन जीरो के लिए हमने मान लिया एपसेल्यून इक्वल टू ही डेल्टा है ठीक है तो एक्स माइनस जीरो अगर लेस देन डेल्टा हुआ तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा होगा ही तो क्या होगा देखिए एंड एक्स कॉस ऑफ वन बाई हमें दिखाना क्या है कि अगर एक्सटेंस टू जीरो मतलब क्या है मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो अगर लेस देन डेल्टा हुआ तो एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो भी लेस देन डेल्टा होना पड़ेगा क्योंकि इसका लिमिट हमें ज़ीरो दिखाना है ठीक है तो देखिए ये तो हमने मान लिया मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा तो इधर से हमें क्या दिखाना है मॉड ऑफ एक्स कॉस ऑफ वन बाई एक्स माइनस जीरो इज लेस देन क्या होगा एक्स कॉस ऑफ वन बाई एक्स विच इज़ लेस देन एक्स होता है ये आपको मालूम होगा क्यों क्योंकि कॉस का वैल्यू हमेशा वन से छोटा है मॉड ऑफ वन बाई मॉड ऑफ कॉस वन बाई एक्स हमेशा वन से छोटा होता है ठीक है तो तो मतलब क्या होगा मॉड ऑफ एक्स कॉस ऑफ वन बाई एक्स लेस देन मॉड एक्स होगा विच इज लेस देन डेल्टा मॉड एक्स लेस देन डेल्टा है और डेल्टा ही इक्वल टू एफसेलोन है तो इसमें से हमें क्या मिला कि वैन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा मॉड ऑफ एफ एक्स ये तो एफ एक्स है एफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एफसेलन तो ये किसका डेफिनेशन है लिमिट का तो मतलब हमें क्या मिला लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्स कॉस ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू जीरो फिर देखते फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है लेट एफ एंड जी बी डिफाइंड ऑन ए सबसेट ऑफ आर टू आर ए एक सबसेट है रियल नंबर का और ए से आर तक दो फंक्शन डिपेंड किया हुआ है एफ एंड जी एंड लेट सी इज द क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए और सी ए का क्लस्टर पॉइंट है बोल दिया लेट एफ इज बाउंडेड ऑन ना ऑवर ऑफ सी एंड एक्सटेंस टू सी जी इक्वल टू जीरो प्रूफ लिमिट एक्सटेंस एफ एफ जी प्रोडक्ट ऑफ एफ इक्वल टू जीरो है क्या कहता है कि लेट एफ इज बाउंडेड ऑन नाइवर रूड ऑफ सी मतलब सी का कोई नाइवर रूड पे एफ बाउंडेड है और लिमिट एक्सटेंस टू जी एक्स इक्वल टू जीरो कहता है मतलब कोई भी सी सी पॉइंट पे जी का लिमिट क्या है जीरो जीरो बोल देता है तो बोलता है कि उसी सी पॉइंट के प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी इक्वल टू जीरो होगा लिमिट उसी सी पॉइंट पे एफ और जी का प्रोडक्ट का जो लिमिट होगा वो जीरो होगा वो शो करने को कहता है देखिए कैसे शो करेंगे हमें दिया हुआ है कि एज एफ इज बाउंडेड एफ बाउंडेड बोल दिया है तो एफ अगर बाउंडेड है तो उसमें एक रियल नंबर मुझे ऐसा मिलेगा जीरो से बड़ा एक रियल नंबर ऐसा मिलेगा जो एफ एक्स से छुटा होगा तो देर एक्जिस्ट एम ग्रेटर देन सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन एम फॉर ऑल एक्स ठीक है एंड ऑल्सो एज लिमिट एक्सटेंस टू सी जी एक्स इक्वल टू जीरो ये तो बोल दिया लिमिट एक्सटेंस टू सी जी एक्स इक्ल टू जीरो तो लिमिट के डेफिनेशन हम यूज करेंगे सो दे एक्जिस्टेड एपसेलन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एपसेलन ग्रेटर जीरो ग्रेटर जीरो जीरो मॉड ऑफ एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा इंप्लाइज मॉड ऑफ जी एक्स लेस देफसेलन बाई एम अभी देखिए एपसेलन की जगह पर एफसेलन बाई एम क्यों लिखा एपसेलन को भी एक आर्बिटरी पॉजिटिव रियल नंबर होना पड़ता है ठीक है तो हम मैं एफ्सेलन तो ग्रेटर देन जीरो ही है एपसेलन अगर ग्रेटर देन जीरो है और एम भी ग्रेटर देन जीरो है तो एफसेल वन बाई एम कोई एक नया ग्रेटर देन जीरो वाला एक रियल नंबर फॉर्म करेगा और वही उस उसी को ही हम एपसेलन मान सकते हैं एफसेलन भी ग्रेटर देन जीरो है और एम भी ग्रेटर देन जीरो है तो एफसेलन बाई एम भी ग्रेटर देन जीरो ही होगा तो हम एक्सेलन बाई एम को एप्सेलन की जगह पर मान सकते हैं ठीक है तो क्या आया अभी हम क्या लिख सकते हैं देखिए मॉड ऑफ एप एक्स इज लेस देन एम दो दो चीज मिला मुझे मॉड मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन एम और मॉड ऑफ जी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई एम तो दोनों को प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा मॉड ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स इज देन एफसेलन बाई एम इंटू एम तो एम एम कैंसिल हो गया एफसेलन तो क्या मिला मतलब ऑन लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा देन मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस जीरो एक लिख सकते हैं आप अपने से माइनस जीरो इज लेस देन एफ्सेलन तो मतलब क्या हुआ लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू जीरो ठीक है अभी देखते हैं एट क्वेश्चन एट क्वेश्चन क्या कहता है लेट एन बिलोंग्स टू एन बी सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री डिराव दिया इन इक्वल्टी माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फॉर माइनस कहता है कि एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री कोई भी एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है आपको कोई भी एक नेचुरल नंबर एन है तो जो एन थ्री से बड़ा है डिरे आपको कहता है कि एक इनिक्वलिटी आपको शो करना है ये वाला इनिक्वलिटी आपको शो करना है ये वाला दिया हुआ है ठीक है देन यूज़ द फैक्ट ये तो आप ये शो करने के बाद आपको क्या दिखाने को कहता है कि लिमिट एक्सटेंस जीरो एक्सक्वायर इक्ल टू जीरो टू शो दैट लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्स टू दी एन इक्वल टू जीरो मतलब लिमिट एक्सटेंस जीरो एक्सक्वायर इक्ल टू अगर जीरो होता है तो लिमिट एक्सटेंस जीरो एक्स टू दी एन भी जीरो होगा ये शो करने को कहता है आफ्टर शोइंग डिज वन ठीक है तो शुरू करते हैं हम वी विल प्रूव दिस बाय इंडक्शन गिवेन माइनस वन लेस देन इक्ल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन ये तो दिया हुआ है हुई इम्पलाइज अगर एक्स स्क्वायर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्र लेस देन इक्ल टू एक्स क्यूब लेस देन इक्ल टू एक्सक्वायर ठीक है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिया मतलब ये किसके लिए ट्रू हुआ फॉर एन इक्वल टू थ्री हमें थ्री से चेक करना है ठीक है एन इक्वल टू थ्री से क्योंकि एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है इंडक्शन कहाँ से चेक करना है वन से चेक नहीं करना है थ्री से चेक करना है तो ट्रू फॉर थ्री है तो अभी हमने मान लिया कि कोई एक ए के लिए कोई एक के इक्वल टू एन के लिए ये ट्रू है मैं मान लिया तो तो क्या होगा दैट इज माइनस इज लेस देन इक्वल टू एक्स टू पावर लेस देन इक्वल टू एक्सक्वायर ठीक है अभी देखिए एक्स से दोनों साइड में मल्टीपाई मतलब पूरे इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा माइनस एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू एक्स टू दी पावर के प्लस वन लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब ठीक है अभी देखिए इधर हमें मिला था इसमें क्या दिया हुआ था इधर एक्स क्यूब इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो इधर तो हमें एक्स क्यूब ये जो एक्स क्यूब आया विच इज़ लेस देन इक्वल टू एक्सक्वायर लिख सकते हैं इधर से और इसको अगर ये ये दो ये दो इनइक्वालिटी का अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा ठीक है ये और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्सक्वायर हो जाएगा ना इसमें अगर पूरे इनइक्वालिटी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब और इधर मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्सक्वायर ठीक है तो माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्सक्वायर ये पूरा इक्वेशन मिल गया मुझे तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक्सक्वायर इज लेस देन इक्व टू एक्स टू दिअर के प्लस वन लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो मतलब ये जो इनक्वलिटी है वो एन के लिए एन इक्वल टू के लिए भी ट्रू हो गया एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया तो एन इक्ल टू के प्लस वन तो के लिए जब ट्रू हो गया तो इंडक्शन मतलब सक्सेसफुल हो गया तो मतलब क्या हुआ हम क्या बोल सकते हैं पूरी इनक्वलिटी राइट right है मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं माइनस एक्सक्वाज लेस देन इक्वल टू एक्स टू लेस देन इक्वल टू फॉर ठीक है नाउ बाई स्क्यूज थ्योरम अभी हमें दिखाना है कि लिमिट एक्सटेंज टू जीरो टू अगर जीरो हुआ तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्स टू दूर एन इक्वल टू भी जीरो होगा तो स्क्यूज थ्योरम से हमें क्या मालूम चलता है कि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्सक्वायर इक्वल टू जीरो है और लिमिट एक्सटेंस टू जीरो माइनस एक्सक्वायर इक्वल टू भी जीरो है तो स्क्यूज थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर कोई एक इनइक्वालिटी का दोनों साइड का एलिमेंट का लिमिट अगर जीरो हो गया तो बीच का वाला भी जीरो होगा मतलब दोनों साइड का दोनों साइड का जो फंक्शन है उसका अगर जीरो कुछ एल आया तो बीच वाला भी वही एल आएगा तो अभी इधर जीरो आ रहा है तो बीच वाला भी जीरो ही आएगा लिमिट एक्स टू जीरो अभी देखते हैं टेंथ क्वेश्चन क्या कहता है गिव एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन एफ एन जी सच देट एफ एन जी डू नॉट हैव है लिमिटेड सी मतलब दो फंक्शन का एग्जाम्पल देने को कहता है कि जिसका दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है सी पे बट उनका अगर ऐड करेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करता है और अगर प्रोडक्ट करेंगे तब भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है सी पे एक फंक्शन हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज रेशनल और इक्वल टू वन इफ़ एक्स इज इरेशनल और दूसरा फंक्शन मान लिया जी एक्स इक्वल टू वन इफ एक्स इज रेशनल उल्टा कर दिया मतलब एफ एक्स का और जी एक्स इक्वल टू जीरो इफ एक्स इज इरेशनल क्लियरली एफ एंड जी डो नाट है लिमिटेड सी एफ और जी का सी पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा बट एफ प्लस जी इक्वल टू वन ए प्लस जी प्लस करने से क्या होगा वन होगा तो वन तो एक कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा लिमिट मतलब वही लिमिट होता है ठीक है कोई भी पॉइंट पे कॉन्सटेंट फंक्शन होने से लिमिट तो वही होगा और एफ जी का भी वैल्यू क्या है जीरो जो कॉन्सटेंट फंक्शन है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है ठीक है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फिर देखते हैं इलेवन नंबर क्वेश्चन एलेवन एलेवन नंबर क्वेश्चन में तीन पार्ट है मैं दो ही पार्ट किया है बाकी आप कर, खुद कर सकते हैं लिमिट एक्सटेंस ज़ीरो साइन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर इसका लिमिट फाइंड करने को कहता है लिमिट एक्जिस्ट करता है कि नहीं और अगर एक्जिस्ट करता है तो इसका लिमिट फाइंड करने को कहता है ठीक है तो लिमिट एक्सटेंस जीरो साइन ऑफ़ वन बाई एक्स स्क्वायर देखिए अभी हमें दो दो सीक्वेंस मान लिया एक सीक्वेंस मान लिया एक्सेन निकल टू वन बाई रूट ओवर एन पाई ऐसे टाइप का एक प्रॉब्लम हमने पहले भी कर चुका है तो लिमिट एक्सटे एक्स से निकल टू वन एन पाई रूट ओवर एन पाई हुआ तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सनिकल टू क्या होगा जीरो होगा क्योंकि एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो वन बाई इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो ठीक है और तो इसका फंक्शन सो लिमिट एंट्रेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्सन अभी एक्सन तो जीरो पे जा रहा है एफ ऑफ एक्सन कहाँ पे जा रहा है वो भी जीरो पे जा रहा है लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्सन एफ ऑफ एक्सन मतलब क्या साइन ऑफ साइन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर ठीक है Sine of, Sine of square, ये गलती से मैं सिक्स लिख दिया साइन ऑफ़ वन बाई स्क्वायर होगा ये लिमिट एंटेंस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर एक्सन स्क्वायर एक्स जगह पे एक्सन ले लिया ठीक है तो लिमिट साइन ऑफ वन बाई एक्सन एक्सन इक्वल टू वन बाई पाई एन ठीक है तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ़ एन पाई साइन ऑफ एन पाई इक्वल टू जीरो तो लिमिट एनटेंसू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्सएन कहाँ पर जा रहा है जीरो पे जा रहा है लेकिन वाई एन इक्वल टू हमने दूसरा सिक्वेंस मान लिया वन बाई टू एन प्लस फाइव बाई टू ठीक है रूट ऑवर टू एन प्लस फाइव बाई टू तो वाई एन भी जीरो पे जा रहा है लिमिट ऑफ एंटेंस इन्फिनिटी वाई एन भी जीरो पे जा रहा है लेकिन लिमिट एनटेंस इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई एन कहाँ पर जा रहा है वन पे जा रहा है जीरो पे नहीं जा रहा है तो एक ही फंक्शन का दो दो सिक्वेंस हो रहा है दो दो लिमिट आ रहा है मतलब एक ही फंक्शन का दो दो लिमिट आ रहा है ऐसा नहीं हो सकता है एक एक ही फंक्शन का दो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसलिए इसका लिमिट है ही नहीं ठीक है लिमिट एक्सटेंशन जीरो साइन ऑफ वन बाई एक्सक्वायर डज नॉट एग्जिस्ट और बी नंबर मैं नहीं किया सी कर दिया हूँ ठीक है सी देखिए क्या कहता है लिमिट एक्सटेंशू जीरो सिग्नम फंक्शन ये एस जी एंड सिग्नम फंक्शन इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं सिग्नम फंक्शन का वैल्यू तो आपको मालूम ही होगा सिग्नम फंक्शन सिग्नम ऑफ एक्स इक्वल टू वन होता है अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब ग्रेटर जीरो से बड़ा कोई भी वैल्यू के लिए सिग्नम फंक्शन का वैल्यू वन होता है और जीरो से बड़ा कोई भी वैल्यू के लिए सिग्नम फंक्शन का वैल्यू माइनस वन होता है और जीरो के लिए सिग्नम फंक्शन का वैल्यू जीरो ही होता है ठीक है तो देखिए लिमिट टू जीरो सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन ऑफ वन बाई एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बोल दिया है क्योंकि एक्स एक्स इक्वल टू जीरो होने से ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वन बाई एक्स ठीक है अभी दो सीक्वेंस पिछले वाले की तरह से ही सेम टू सेम हमने दो सीक्वेंस मान लिया एक सीक्वेंस मान लिया एक्स सिक्न इक्वल टू वन बाई एन पाई तो लिमिट एन टू इन्फिनिटी वन बाई एन बाई इक्वल टू जीरो हो गया और वाई एन मान लिया वन बाई टू एन प्लस फाइव बाई टू तो लिमिट एन टेंशन इन्फिनिटी वन बाई टू एन टू पाई प्लस फाइव बाई टू टू एन प्लस फाइव बाई टू इक्वल टू ज़ीरो हो गया बट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एन इक्वल टू जीरो आ रहा है लिमिट ऑफ एफ ऑफ वाई एन इक्वल टू वन आ रहा है ठीक है तो सेम टू सेम पिछले वाले के जैसा ही नंबर के जैसा ही इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ठीक है अभी देखते ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कहता है लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बीच हज दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई ये एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है आर से आर तक जो कहता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ओफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रियल नंबर का कोई दो कोई दो एलिमेंट के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्ल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होगा एज्यूम दैट लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ इक्वल टू एल ये भी दिया हुआ है कि मान लिया कि लिमिट ऑफ एफ एक्स का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है जीरो पे और उसका बेलू एल है प्रूफ दैट एल इक्वल टू जीरो ये प्रूव करने को कहता है कि ये एल हमेशा जीरो होगा ऑल्सो एफ एज लिमिटेड सी बिलोंग्स टू आर और कहता है कि एफ का जो लिमिट है वो कोई भी रियल नंबर के लिए कोई भी रियल नंबर रियल नंबर का कोई भी एक एलिमेंट के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है तो देखते हैं एफ ऑफ टू एक्स मान लिया ओफ टू एक्स इक्वल टू क्या इसके हिसाब से एफ ऑफ टू एक्सल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स लेते हैं मतलब 2 F x. तो अभी अगर दोनों साइड में इसका दोनों साइड में अगर मैं लिमिट को पुट कर दिया तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो टू क्या होगा टू लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है ये कहता है कि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ऑफ एफ का मतलब क्या है कोई भी एक्स के लिए मतलब एफ ऑफ एक्स तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स के लिए इसका वैल्यू एल है अभी अगर टू एक्स भी ले लिया इधर टू एक्स भी टेंस टू जीरो होगा तो लिमिट टू एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू एक्स इक्वल टू भी एल ही होगा ठीक है तो देखिए टू एल इधर पे क्या हो जाएगा टू एल इक्वल टू एल हो जाएगा टू एल इक्वल टू एल मतलब एल इक्वल टू हमेशा जीरो होना पड़ेगा ऐसा तभी पॉसिबल है जब एल इक्वल टू जीरो है तो पहला वाला तो प्रूफ हो गया एल इक्वल टू जीरो अभी दिखाना है कि कोई भी सी के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है अभी देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके हिसाब से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी प्लस एफ ऑफ सी एफ ऑफ एक्स माइनस सी प्लस एफ सी तो लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स माइनस सी इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं ये एक्स माइनस सी टेंस टू जीरो लिखने से एक्स माइनस सी एक्स टेंस टू सी मतलब एक्स माइनस सी टेंस टू जीरो एफ ओफ एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो होगा क्यों लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ ओफ एक्स इक्वल टू जीरो हमने अभी ही प्रूव किया है जस्ट अभी प्रूव किया है कि लिमिट एक्सटेंशू जीरो एफ एक्स इक्वल ट एल और एल का वैल्यू जीरो है मतलब लिमिट एक्सटेंशू जीरो एक्स टू एल है तो टू ये एक्स ये इधर पे जो टेंस टू जीरो होगा और एफ के अंदर जो होगा वो अगर सेम हो गया तो वो हमेशा जीरो होगा तो लिमिट एक्स माइनस सी टेंस टू जीरो एफ ओफ एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो होगा ठीक है तो देखिए इसके अगर दोनों दोनों साइड में अगर मैं लिमिट एड कर दिया तो लिमिट एक्सटेंस सी एफ ऑफ पैक्स इक्ल टू क्या हो जाएगा लिमिट टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस सी प्लस एफ ऑफ सी तो ये तो हो जाएगा जीरो लिमिट टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस सी जीरो होगा ये अभी शो किया है तो लिमिट एक्सटेंस टू सी एफो एक्स क्या 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 एफ ऑफ सी हो जाएगा ठीक है क्योंकि एक्स का वैल्यू इसमें तो एक्स है ही, ही नहीं तो लिमिट का कुछ फायदा नहीं होगा तो एफ ऑफ सी जैसे वैसे ही रहेगा विच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी तो लिमिट एक्सटेंस टू सी ऑफ एफओपैक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी ये कब होता है जब इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है मतलब कोई एक पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है ठीक है तो कोई भी सी के लिए तो आर्बिट्री सी लिया था हमने तो कोई भी सी के लिए इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है ठीक है अभी देखते हैं थर्टीन क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड एफ एंड जी आर डिफाइंड सॉरी फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड ऑन आर बाई एफ ऑफ पेक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ पैक्स इक्वल टू टू इफ एक्स नॉट इक्वल टू वन एंड जी ऑफ वन इक्वल टू जीरो दो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ एंड जी रियल नंबर पे कैसे डिफाइन किया है एफ ओ पेक्स इकल टू एक्स प्लस वन फॉर ऑल आर एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब कोई भी एक्स आर का कोई भी एलिमेंट के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन लेकिन जी का वन के अलावा कोई भी आ, आ, रियल नंबर का एलिमेंट होने से जी एक्स इक्वल टू टू होगा लेकिन वन होने से जी ऑफ वन इक्वल टू जीरो होगा ऐसे डिपेंड किया हुआ है अभी कहता है कि फाइंड लिमिट एक्सटेंस टू वन एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स एंड कम्पेयर विद्यू ऑफ जी ऑफ लिमिट एक्सचेंज टू वन एफ एक्स इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कंपेयर करने को कहता है और दूसरा क्वेश्चन भी ये है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू फाइंड करने को और कंपेयर करने को कहता है पहले हम ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है इक्वल टू टू अगर एक्स नॉट इक्वल टू वन हुआ और जीरो अगर एक्स इक्वल टू वन हुआ जी ऑफ एक्स का वैल्यू अभी देखिए लिमिट एक्सटेंस टू वन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा लिमिट एक्सटेंस टू वन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस वन हो जाएगा तो एक्सटेंस टू वन मतलब एक्स की जगह पर हम वन पुट कर सकते हैं क्योंकि एक्स प्लस ये कोई भी वैल्यू के लिए तो ये एक्स प्लस वन ही होगा एफ एक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है तो ये क्या हो जाएगा टू हो जाएगा एक्सपे एक्स की जगह पे वन पुट करने से लिमिट एक्टेंस टू वन एक्स प्लस वन टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा सो so, हमें जो ये जो निकालने को बोला था जी ऑफ सॉरी ये वाला जी ऑफ लिमिट एक्सटेंस एफ ओफ इक्वल टू क्या होगा लिमिट एक्स टू ऑफ का वैल्यू तो आ गया तो जी ऑफ टू क्या है जी ऑफ टू इक्वल टू टू ही होगा क्योंकि फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू वन के लिए वन के अलावा कोई भी वैल्यू के लिए उसका वैल्यू टू ही आता है और दूसरा क्या कहता है जी ऑफ एफ एक्स जी ओफ एफ एक्स निकलना है तो जीओ एफ एक्स के लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स प्लस वन जी ऑफ एक्स प्लस वन वही इसका वैल्यू क्या होगा टू होगा अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हुआ देखिए क्यों अगर एक्स इक्वल टू जीरो हो गया एक्स इक्वल टू जीरो होने से जी ओफ वन आ जाएगा और जी ओफ वन का वैल्यू क्या है जीरो है तो एक्स इक्वल टू जीरो के लिए ये जीरो हो जाएगा और जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू के लिए इसका वैल्यू वन नहीं हो सकता है जी ऑफ जीरो के अलावा एक्स का कोई भी वैल्यू के लिए इसका वैल्यू वन हो सकता है क्या नहीं हो सकता है तो मतलब जीरो का अलावा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए इसका वैल्यू टू हो जाएगा ठीक है तो देखिए देन लिमिट एक्सटेंस टू वन जियो वेफेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टू क्योंकि एक्स का वन के नेबरहुड में है वन के नेबरहुड में है तो टू ही e होगा सिर्फ जीरो होने से इसका वैल्यू जीरो होता है लेकिन वन के नेबरहुड मतलब क्या हो वन के नाइबर मतलब वन के आसपास वन के आसपास तो जीरो के जीरो नहीं आएगा वन के आसपास होने से ठीक है इसका वैल्यू टू ही होगा तो जियो वेफेक्स इक्वल टू टू इन ए नेबरहुड ऑफ वन ठीक है तो मतलब क्या है लिमिट एक्सटेंस टू वन जियो वेफ एक्स इक्वल टू टू और जी ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू वन एफ एक्स वो भी टू ही आया बी वाला पार्ट भी सेम ही है आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं बी वाला पार्ट बिल्कुल सेम टू तो सेम ए वाले ए, ए के जैसा ही है ठीक है आप खुद कर सकते फिर देखते हैं हम फोर्टीन नंबर क्वेश्चन फोर्टीन क्वेश्चन क्या कहता है लेट ए बिलोंग्स टू आर ए एक आर का एक, एक सबसेट है ठीक है ए इज द सबसेट ऑफ आर बिलोंग्स टू नहीं सॉ एज द सबसे फंक्शन है फ्रॉम ए टू आर एंड लेट सी बिलोंग्स टू आर बी द्लास्टर पॉइंट ऑफ ए इफ एक्स बिलोंग्स टू सी एफ एक्जिस्ट एंड इफ मॉड ऑफ एफ डिनोट्स द फंक्शन डिफाइंड बाई डिड फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बाई मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स प्रूफ दैट लिमिट एक्सटेंस टू सी मॉड ऑफ एफ इक्वल टू मॉड ऑफ लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ ये प्रूफ करने को कहता है एक फंक्शन दिया हुआ है सिम्पल सी बात है कि एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका लिमिट एक्जिस्ट कर रहा है बोलता है तो उसका मॉड का जो फंक्शन होगा और फंक्शन का जो मॉड होगा ठीक है वो दोनों मतलब सेम होगा ये इसको इसको प्रूव करने को कहता है सिंपल सी तो गिवेन लिमिट एक्शन टू सी एफ ओवैक्स एग्जिस्ट ये दिया हुआ है लिमिट एक्शन एफ ओफेक्स एग्जिस्ट इस है ये दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है इसे एग्जिस्ट करता है तो उसका कुछ वैल्यू भी होगा तो हमने मान लिया कि इसका वैल्यू एल है ठीक है तो इसका वैल्यू अगर एल है तो हम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं लिमिट एक्शन टू सी एफ ओप एक्सलू अगर एल हुआ तो डेफिनेशन यूज कर सकते हैं डेफिनेशन क्या कहता है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एक्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एफसेल ठीक है एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा ये तो डेफिनेशन हो गया इसका तो इसमें से अभी हम क्या लिख सकते हैं एक ट्राइंगल इनिक्वल्टी हमने पढ़ा था मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी ठीक है ट्राइंगल इनिक्वलिटी में कुछ एक रिजल्ट हमने ऐसा एक पढ़ा था मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बॉड ए माइनस बी तो इसमें हम उसका ही यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एल इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा ठीक है तो देखिये ये तो एफ्सलन से छुटा है और ये इससे भी छुटा है तो ये ऑबियसली एफसेलन से छुटा होगा तो मॉड ऑफ मॉड ऑफ एफ ओफ एक्स माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू एफसेलन ठीक है तो इससे हमें क्या मिलता है मॉड ऑफ एफ ओफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एल इज लेस देन इक्वल टू एफसेल हॉय ए बार मॉड ऑफ एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा तो हमें क्या मिलता है लिमिट एक्सटेंस टू सी मॉड ऑफ एपोपैक्स इज इक्वल टू मॉड एल और मॉड एल का वेल्यू क्या है एल का वेल्यू क्या है उसमें ही मॉड लग जाएगा एल का वेलू क्या लिया था हमने ये लिमिट एक्सटेंसू सी एफोपैक्स तो मॉड ऑफ लिमिट एक्सटेंसू सी एफोपैक्स मतलब एल के जगह पर अगर हम ये लिख दिया तो क्या होगा लिमिट एक्सटेंस टू सी एपोपैक्स ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक यू